समझते हैं कि संसदीय शिष्टमंडल शाहरुख खान आमिर खान आई लव यू यू वन सेकंड यू आर डिस्ट्रॉइंग द इंडियन कल्चर यू डिस्ट्रॉइंग अस गोली मारो सालों को कौन है हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म किया रहेगा नाम का ऐसे ही मरते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि अब नरसंहार यानी नस्ल कुशी का पैगाम हुकूमतें देने पर आमादा हो रही है। आज खास जिक्र दो बातों का होना जरूरी है, जिसमें खास कर दो मामलों का जिक्र सरे फहरुस्त है, और एक जो है अदालत का जो फैसला आज हिजाब को लेकर आया है वो, और दूसरा जो है कश्मीर फाइल्स को लेकर नफरती एजेंडा। इस पर पहले भी बात हो चुकी है लेकिन आज फिर दोबारा कहना इसलिए जरूरी है कि मामले को किस तरह तूल दिया जा रहा है और हर जगह जगह पर इसे सरकारी तौर पर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, फैसला कैसे हर मामले को मजहबी तशद्दुद तक ले जाता है और इसका सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है, आज इन्हीं दो बातों पर तस्करा करते हैं। अब वैसे भी संविधान लोकतंत्र के मायने शायद नहीं रहने लगे, क्योंकि संसद में तक अब जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पहले मोदी मोदी और फिर जय श्री राम के नारे का गूंजना लोकतंत्र के मुकम्मल खात्मे का पैगाम कह सकते हैं। अब अगर हिजाब मामला किसी धर्म विशेष के हक में ना आना भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिस संसद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी आईन हिंद की तमहीद जिसे पढ़कर हड़प उठाया जाता है, अक्सर लोगों ने इसे सुना होगा, एक बार फिर पढ़कर सुनाना जरूरी समझूंगा क्योंकि शायद आगे ये अल्फाज आपको सुनने मिलेंगे या नहीं कह नहीं सकते। भारत के आईन की तमहीद प्रस्तावना यह है कि भारत को एक खुद मुख्तार सेक्युलर और जमहूरिया करार देता है और इसका मकसद तमाम शहरियों के लिए इंसाफ आजादी मसवात को यकीनी बनाता है। तवज्जो फरमाइए, और मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को बरकरार रखने के लिए भाईचारे को फरोग देता है। ये इसलिए पढ़कर सुनाना पड़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे अब यह खत्म होता जा रहा है, और जब कल बजट सेशन में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे ये तो यकीन हो गया कि अब इस मुल्क का सेक्युलर ढांचा बरकरार रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जबकि इस वक्त खुद मोदी भी इन नारों की तरफ बड़े फकरी अंदाज में वो देख रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। खैर, अब कुछ उन तस्वीरों को दिखाएंगे जहां पर कश्मीर फाइल्स को लेकर नफरती बयानात थिएटर में किए जा रहे हैं और साथ में मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान भी किया जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक देहात और करियों से लोगों को ला ला कर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, जबकि इस फिल्म को कई लोगों ने एतराजात भी दर्ज करते हुए पाबंदी की मांग भी की है। खैर, पहले किस तरह जय श्री राम के नारों को इस्तेमाल कर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है पहले देखते हैं। विराजमान है कि संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022 को भारत पहुंचा। शाहरुख खान आमिर खान आई लव यू यू वन सेकंड यू आर डिस्ट्रॉइंग द इंडियन कल्चर यू आर डिस्ट्रॉइंग अस गोली मारो सालों को कौन है हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का किया रहेगा नाम का ऐसे ही मरते रहे। प्लीज डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज। आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग यू ऑल पीपल प्लीज डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज, स्पेशली शाहरुख सलमान आमिर साहब। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल भारत माता की जय। भारत माता की जय।
जय वंदे मातरम वंदे मातरम केसीआर को भी मार देंगे बांग्लादेश में. प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज एंड एवरीथिंग. हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलर इनका किया रहेगा नाम का, हम ऐसे ही मरते रहेंगे. भाई साहब अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल, केरल के बाद वेस्ट बंगाल. आज आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे. दिल्ली में भी हो रहा है. ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आयर हुसैन ने. ऐसे ही काटा नेगी को, काटा था उसको ऐसे ही काटा, और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार. सर पीआईएल नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल, जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम. बिजली पानी में बिका चल रहा हूँ मैं अकेला आ रहा हूँ. मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट. किसी एक इंसान की जान भी लेना गलत है, लेकिन 1990 की कहानी को अब दिखाकर ये कहना कि अब मुसलमानों से बदला लेना है और इस पर तमाम इंतजामिया खामोश है, सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि नफरत को बढ़ावा भी दे रही है. खूनी साजिश को इस तरह से अपनी हिमायत देने का काम भी मौजूदा हुकूमतें कर रही हैं, और वैसे भी गुजरात दंगों के वक्त सभी ने देखा है कि किस तरह से इंतजामिया खामोश रही. पुलिस हो या चाहे अदलिया हो, तमाम तर चीजें आपके सामने मौजूद है, और ऐसे मामलों में हिमायत देने का काम मौजूदा हुकूमतें कर रही हैं. और वैसे भी इन अंधभक्तों के ये इत्तला भी देता चलूं कि महंगाई और भी बढ़ने वाली है, और आप इस पर सवाल ना पूछे इसलिए नफरती जहर तुम्हारे दिमागों में डालकर जहनों को मुंतशिर किया जाए. पेट्रोल जल्द 20 रुपए बढ़ने की इत्तला हासिल हुई है. तमाम रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी जबरदस्त इजाफा हो सकता है, लेकिन आपको कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरती माहौल का टॉनिक भी बराबर मिलता रहेगा. 80 के करीब पंडितों के कत्लेआम पर बनी कश्मीर फाइल्स को जेनोसाइड कहते हुए अपने अतराफ में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ जहर तो सरकारी तौर पर फैलाया जा ही रहा है, देहात में भी बड़े मुनज्जम अंदाज में इस नफरती एजेंडे को चलाया जा रहा है. पर सवाल तो मुजफ्फरनगर, भिवंडी, गुजरात पर भी उठाना जरूरी है, और जब इन पर सच्चाई दिखाने वाली परजानियां जैसी फिल्म को रिलीज करने से हुकूमत रोक भी देती है, और ऐसा नहीं कि 2000 से भी ज्यादा मुसलमानों की नस्ल कुशी को बतौर फख्र बताया गया, अब तक इंसाफ दम तोड़ रहा है. एहसान जाफरी की बीवी अभी भी अदालतों के चक्कर काटते बूढ़ी हो चुकी है, जबकि इसके शोहर और कांग्रेस के एमपी रहे एहसान जाफरी को इन्हीं फिरका परस्त और हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से जिंदा जलाया गया. कईयों को क्लीन चिट मिल गई है, और बेगुनाहों को फांसी के फंदों पर चढ़ाकर इंसाफ का मजाक भी देखा जा रहा है. अभी हाल ही में जो फैसला आया, अब जब इंसाफ की बात आती है तो अदलिया भी कटघरे में खड़ी नजर आती है. अमित शाह ने सबरीमाला केस में कहा था कि अदालतों को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिन पर अमल ना किया जा सके. अब क्या वो मामला अक्सरियत तबके को खुश करने का था, इसलिए अदलिया पर भी दबाव डाला गया, और जब हिजाब मामले को लेकर अदालत ये कह दे कि इस्लाम हिजाब में जरूरी नहीं है, अब क्या इसे अदालतों पर हुकूमतों का दबाव ना कहा जाए. और शायद मामले आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब संसद में ही जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी, तो किन बुनियादों पर उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा सवाल भी उठाना लाजिम हो जाता है. यकीनन आज का फैसला सियासी दबाव में दिए जाने की बात कही जा रही, क्योंकि हिजाब मामला उतना अहम नहीं था, लेकिन जानबूझकर इसे बड़ा बनाया गया और यूपी चुनाव में इसे गरमाया भी गया. आपकी याद दिहाई के लिए बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया अब तक मालूम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया है, लिहाजा अब तक बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया समझ में नहीं आ रहा. जबकि 6 दिसंबर को तमाम मंजर टीवी पर दिखाए जा रहे थे और सभी ने देखा है. आज के इन दोनों मामलों पर गौर करने के बाद मुस्लिम माशरे की बेहिसी पर भी तस्करा जरूरी है. आखिर मुस्लिम उम्मत किस इंतजार में है समझ में नहीं आ रहा. आज जब अदालत का फैसला आया है तो खामोश रहने की हिदायत कुछ उलमा दीनी रहनुमाओं की जानिब से दी गई, तो कुछ सियासी रहनुमाओं ने इसे अगली अदालत तक इंसाफ की गुहार लगाने की बात कहते हुए देखा गया. क्या हिजाब मामले को भी
अरसे तक जिंदा रखकर फिरका परस पार्टियों के लिए खुराक मुहैया कराई जाए। आखिर कौन से ख्वाब गफलत की नींद में ये पूरा मुस्लिम समाज सो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब एक तरफ नस्ल कुशी की बात खुले मन से खुले आम की जा रही है और तमाम माशरा ऐश परस्ती अय्याशी और रोजमर्रा के कामों में ऐसे मसरूफ है जैसे इसे कुछ लेना देना ही नहीं, क्या तमाम के तमाम नस्ल कुशी के इंतजार में है या तैयार बैठे हैं? अगर दिगर पिछड़ा दलित समाज का जायजा भी लिया जाए तो इन्हें भी किसी दस्तूरे हिंद यानी संविधान लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं ऐसा लग रहा है। कुल मिलाकर फिरका परस्तों को तमाम रास्ते खुले हैं। मुस्लिम समाज बेहिस है, आज हिजाब के मामले पर कोई रद्दअमल नजर नहीं आया और न किसी दीनी सियासी रहनुमाओं ने अपना इजहार ख्याल किया। वही कश्मीर फाइल्स पर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी कर रहे हैं तो इस पर भी एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब अब तो पूरी तरह से यही कहना पड़ेगा कि इस मिल्लत का मुहाफिज सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है और इस मुल्क का मुस्तकबिल भी सिवाय तारिकी के कुछ भी नहीं है। एक मासूम बच्चे की मौत के बाद उनके वालिदैन का क्या हाल होता है और जो छोटा बच्चा जिसके लिए कई ख्वाब वालिदैन सजाए रहते हैं लेकिन जब वो सड़क हादसे में मर जाता है, इंतकाल हो जाता है तो वाकई एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। सड़क हादसे में दिल दहला देने वाला वाक्य पेश आया। मैं 6 साल के अब्दुल मन्नान आसिफ बागलकोटी की स्कूल से लौटते वक्त मौत हो गई। हासिल इत्तला के मुताबिक कनबरगी रोड पर वाक़ स्कूल लिटल स्कॉलर के करीब यह हादसा पेश आया। जब स्कूल से अब्दुल मन्नान वालिद की तरफ दौड़ता जा रहा था अचानक सड़क पर तेज रफ्तार कार की ठोकर से मौत हो गई। ठोकर इतनी शदीद थी कि दूर तक कार से घसीटते हुए मासूम अब्दुल मन्नान चला गया जिससे सर पर गहरी चोट आई जिसमें बच्चे की मौत हो गई। स्कूल के करीब स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से बारह हादसे होते रहते हैं ऐसा भी आवाम का कहना है, लिहाजा स्पीड ब्रेकर का भी मुतालबा किया जा रहा है। आसिफ बागलकोटी के अब्दुल मन्नान फर्जन थे जो हारमोनी अपार्टमेंट शाहनगर में रहते। इस हादसे से आसिफ बागलकोटी और इनके घर वालों पर गहरा सदमा पहुंचा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम अब्दुल मन्नान को जन्नतुल फिरदौस में जगाता करे। आज हिजाब मामले को लेकर फैसला आया जिसमें पहले के ही फैसले को बरकरार रखते हुए यह कहा गया था, जबकि सभी जानते हैं कि मामले को एक तवील अरसे तक ले जाया गया। आज इस फैसले के मद्देनजर सख्त पुलिस इंतजामिया भी स्कूल कॉलेज के इहाते में रखा गया था। दफा 144 भी नाफिज की गई थी। हिजाब फैसले के बाद एहतजाज या फिर जश्न मनाने के मद्देनजर सख्त इंतजाम किया गया था। आवाम में ये भी कहते देखा गया कि बजाय स्कूल के पास इंतजामिया को तैनात करने के कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई जाने वाली थिएटरों में मुस्लिम माशरे के खिलाफ नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई करते तो बेहतर होगा, ऐसा भी आवाम की जानिब से कहते देखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।